हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फूडी स्टेशन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू टिक्की, झटपट बनकर तैयार। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू लें, उबाल कर ठंडा करके उन सबको मैश कर लें। आलूओं को मैश करना जरूरी। मैश्ड पोटैटोज में हरा धनिया डालकर अपने स्वाद अनुसार मिर्च मसाले डालें। मिर्च, नमक और काली मिर्च ये सब डालें स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी हम इसमें डाल सकते हैं ताकि हमारी टिक्की जुड़ी रहे और स्वादिष्ट बने। इसके बाद हमें इन सब को मिक्स कर लेना है और अच्छे से एक डो बना लें। डो बनाने के बाद हाथ पे तेल ले जरा सा, उसको अच्छे से ग्रीस करके जैसे हम आटे के पेड़े बनाते हैं ऐसे पेड़े बनाकर जरा सा प्रेस करके उसको टिक्की की शेप दे दे। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और अच्छे से ग्रीस कर। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लें। हमारी क्रंची क्रिस्पी टिक्की तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।